नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं प्रोफेसर एंड HOD साइकैट्री हूँ। मैं आप लोगों से आज बात करूँगा ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि बच्चों में होने वाली एक कॉमन बीमारी है और अक्सर ये डायग्नोज नहीं होती है या बच्चों को शरारती मान के छोड़ दिया जाता है, जिसके कि आगे चल के बच्चे के जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये आमतौर पे 5 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती है। लड़कों में लड़कियों के मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा होती है। इसके जो आमतौर पे लक्षण होते हैं, चंचलता की अधिकता, यानी बच्चा एक जगह देर तक नहीं बैठ पाता है, ज़्यादा भागता दौड़ता रहता है, ध्यान लगाने में उसको मुश्किल होती है, काम करने में ज़्यादा गलतियां करता है जल्दीबाजी की वजह से, और धैर्य की कमी होती है, उसमें वेट नहीं कर पाता है बच्चा। जैसे लाइन में अगर खड़ा है तो वो चाहेगा कि मैं सबसे पहले खेल लूँ। इन सब वजहों से उसके जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में मुश्किल आती है, दोस्त बनाने में मुश्किल आती है, घर में माता पिता परेशान रहते हैं बच्चे के व्यवहार की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी चंचल होता है, उसको चीज़ें सिखा पाना और चीज़ें करवा पाना मुश्किल होता है। अक्सर ये बच्चे अपनी चीज़ें संभाल के नहीं रखते हैं, काफ़ी खो के आते हैं चीज़ें, स्कूल से होमवर्क नहीं उतार के लाते, तो स्कूल में भी दिक्कत होती है, क्लास टीचर भी कंप्लेन करते हैं कि ये क्लास में शोर मचाते हैं या ठीक से बैठते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि लोग ये मान के कि बच्चा शरारती है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, इस चक्कर में इलाज नहीं करवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन बच्चों को जहाँ भी इस तरह के लक्षण लग रहे हैं, ख़ासतौर पर जहाँ की बच्चों को मुश्किलें आ रही हैं, ख़ासतौर पे पढ़ाई में या माता पिता को घर में बच्चे को संभालने में मुश्किल हो रही है, तो इन बच्चों को यहाँ पे दिखाना चाहिए। इस चीज़ का इलाज है, दवाइयों से भी है और मनोवैज्ञानिक इलाज भी है। इलाज करने से लंबे समय में इस बीमारी से होने वाली जो और परेशानियाँ हैं, जैसे ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनमें ज़्यादा एग्रेशन आने लगता है, ज़्यादा नशे की तरफ ये भागने लगते हैं, कहना ना मानना, बहस करना, जिद करना, इस तरह की तमाम चीज़ें इनके व्यवहार में आने लगती हैं। तो अगर पहले से ही छोटेपन से इलाज किया जाए तो एक तो जो आगे चल के होने वाली दुष्परिणाम है उनको रोका जा सकता है, और इसकी वजह से होने वाले बच्चे अपना जो कहना चाहिए कि जितना उनका पोटेंशियल है, जो वो अचीव कर सकते हैं लाइफ में, वो बीमारी की वजह से नहीं अचीव कर पाते हैं अगर उनका इलाज नहीं होता है। तो समय से इसको पहचान लेना और इलाज लेना काफ़ी ज़रूरी होता है।